हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 10, दैट इज प्रिटी एज अ पिक्चर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सारे आंसर आपकी वर्कबुक के हैं जो दिया गया है आपको। तो देखिए, देख लेते हैं। कुछ बच्चों के जो वर्कबुक होंगे वो सेम होगा, कुछ लोगों का डिफरेंट होगा, बट बुक तो सेम है। तो जो क्वेश्चन आंसर आपको मैच हो, अगर जिन बच्चों का यही सेम नहीं है वर्कबुक, तो जिन लोगों का थोड़ा बहुत मिले वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच मिस नीना टोल्ड द स्टूडेंट्स टू डू बिफोर टेलिंग देम टू देम द स्टोरी। टू कलेक्ट ऑल द पेपर एंड रबिश फ्रॉम क्लास एंड पुट इट इन द डस्टबिन। सेकेंड क्या है, टू स्ट्रेंथन द डेस्क दैट हैड बीन पुश्ड आउट ऑफ लाइन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज टू टाई अप देयर शू लेसेस एंड रिबन्स। ओके, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि नीना मिस ने क्या बोला था स्टूडेंट्स को कि स्टोरी सुनाने से पहले उनको क्या चीज़ क्या काम करना है। तो यही है, पहले क्या करना है, पेपर जो रबिश पेपर है, रबिश चीज़ें हैं, वो क्लास से निकाल के डस्टबिन में डाल दें। और क्या करना है, टू स्ट्रेंथन द डेस्क दैट हैड बीन पुश्ड आउट ऑफ लाइन, ठीक है, उसे लाइन में करना है, मतलब जो इधर उधर हो गया है। और उनके जो शू लेसेस हैं, ठीक है, और रिबन्स हैं, उसे टाई करना है अच्छे से। और क्या बोला था, टू पैक देयर बैग्स एंड चेक देयर नोटबुक, कंपास बॉक्सेस, कलर पेंसिल्स, टिफिन बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स, ठीक है, आपको याद होगा ये सारी चीज़ें, आपने चैप्टर पढ़ा है। तो फिर इन द ब्लैंक्स डैश, इसमें क्या आएगा, मिस नीना टोल्ड अस दैट द लास्ट पीरियड ऑन एवरी फ्राइडे वुड बी स्टोरी टाइम। क्या होगा, स्टोरी टाइम होगा। द डेस्क एंड बेंचेज आर ऑल क्रूक्ड। मिस नीना टोल्ड अस रियली फनी स्टोरी अबाउट अ किंग एंड हीज क्लोन। ओके स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। यहाँ पे देखिए आंसर, फाइंड आउट हाउ मेनी फ्राइडेज देयर आर इन दिस ईयर 52, हाउ मेनी ऑफ दिस फ्राइडे यू विल स्पेंड इन 38। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये सारे यहाँ पे ये सब खुद आपको लिखना है, ये सब देख के। तो ये तो कॉपी राइटिंग है, जस्ट देख के आप लिख सकते हो। अपोजिट ऑफ बेस्ट वर्स्ट, जस्ट उल्टा बताना है। ओके, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, हु सेड टू होम, किसने किससे कहा। द डेस्क एंड बेंचेस आर ऑल क्रूक्ड, मिस नीना सेड टू हर स्टूडेंट्स। हाउ दैट्स माई फेवरेट क्लास, मिस नीना सेड टू हर स्टूडेंट। मेंशन इन दिस थैंक things that make a class untidy, इसका आंसर देख सकते हो। scribbling on the wall, throwing off waste paper and pencil, shaving and stubs on the floor। uncombed hair, crumpled clothes। write any 5 things you do यू डू टू टाइडी अप योर हाउस, आंसर देख सकते हो इसका। इसका आंसर देखते हैं अभी, यहाँ पे आंसर देखिए। हाउ मच टाइम डू यू नीड टू गेट रेडी फॉर स्कूल, राइट इन द फॉलोइंग टेबल। ब्रशिंग टीथ 5 मिनट, टेकिंग बाथ, सब यहाँ पर लिखा गया 5 मिनट। Use the following phrase in your own sentences, यहाँ पे दिया गया है जो ये phrases हैं उसका sentence बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। Speak and span, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। And clean as a whistle, यहाँ whistle तो यहाँ पे दिया गया आंसर, यहाँ पे आंसर दिया गया है students। क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो।
आपके स्टूडेंट्स कोई डाउट कॉन्वर्सेशन पूछे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।